Hello student, welcome to our today's class. In last video we completed the topic इगेनियस रॉक. ठीक है, इगेनियस रॉक क्या होते हैं हमने पढ़ लिया था, और इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमिकन, बेसिडियंस. ठीक है, हमने चारों अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक एंड देयर कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, देयर पार्टिकल्स ऑफ साइज. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनका कंपोजिशन हुआ है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले समझते हैं सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है. ठीक है, ड्यू टू इरोजन. इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन आप जानते हैं ना. सॉइल इरोजन में क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की वो ब्रेक हो जाती है. ठीक है, किस कारण से होती है? ड्यू टू, एक तो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीज़ों के कारण सॉइल इरोजन होता है. तो क्या होता है इसमें, सॉइल इरोजन के कारण जो रॉक्स है, चट्टानें हैं, वो क्या होती है, टूट जाती है. किसमें? छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है, उनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स. ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, किसके कारण? सॉइल इरोजन के कारण. तो उन्हें क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स हम कहते हैं. दिस सेडिमेंट्स इज कैरिड अवे बाय विंड और वाटर. ये जो सेडिमेंट्स हैं वो किसके द्वारा चलते हैं, मतलब किसके द्वारा आ जाते हैं, विंड और वाटर के द्वारा मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चल जाते हैं. ठीक है, द सेडिमेंट इवेंटली डिपॉजिट समवेयर एज सैंड और मड. सेडिमेंट्स क्या हैं? सैंड, रेत और मड का एक तरह से मेल कह सकते हैं हम. ठीक है, ओवर टाइम न्यू सेडिमेंट पाइल्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड. जो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, जो नए सेडिमेंट है वो ऊपर आ जाते हैं टॉप पे, और जो पुराने सेडिमेंट से चट्टानों के टुकड़े वो नीचे दम जपते जाते हैं. ठीक है, दब जाएंगे वो नीचे, और जो नई सेडिमेंट से वो ऊपर आते जाएंगे. द ओल्डर लेयर बिकम कंप्रेस. जो ओल्ड लेयर थी, पुरानी लेयर थी, उसमें क्या लगेगा, दबाव लगेगा, और दबाव के कारण वो कैसी हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी. तो क्या हुआ, सॉइल इरोजन हुआ. सॉइल इरोजन के कारण छोटे छोटे पीसेस हुए चट्टानों के, और वो किसके द्वारा, पानी और विंड के द्वारा इधर उधर मतलब हो जाते. तो फिर उसके कारण क्या होगा, वो जो पुराने थे वो तो नीचे दब जाएंगे, और ऊपर क्या होगा, नए आते जाएंगे, और जो पुराने हैं वो कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, कंप्रेस, क्योंकि उनमें कंप्रेशन होगा. कंप्रेशन नहीं, दबाव लगेगा, क्योंकि नई चट्टानें ऊपर आएगी तो नीचे की चट्टानों में कंप्रेशन होगा, तो उस कारण से वो क्या होगा, हार्ड हो जाएंगे. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू नोन एज बट अबाउट एशियन टाइम. ठीक है, एंड एनिमल्स. एशियन टाइम और एनिमल्स से क्या है, सेडिमेंट्री बहुत यूजफुल है. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है एशियन टाइम्स, मतलब पुराने जमाने से ही है. एशियन साइंटिस्ट यार क्या, सेडिमेंट्री रॉक आर वेरी यूजफुल टू नो अबाउट एशियन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेडिमेंट्री रॉक्स जो क्या है, एशियन, बहुत पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा उपयोगी है प्लांट्स और एनिमल के लिए. ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी दिस रॉक बिकॉज दिस आर ट्रेस ऑफ एशियन प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड फॉसिल्स. ये क्या है, इन पे जो साइंटिस्ट है वो स्टडी कर रहे हैं इन सेडिमेंट्री रॉक पे. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये है ना बहुत पुराने टाइम से है, और उन पे क्या छूट चुकी है, जो पुराने जानवर और एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं उनकी छाप है, ट्रेस, यानी इन पे उनके निशान अभी भी है. तो अगर जो पुराने, और यहाँ पे लिखा है फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होता है, जब अर्ली मैन का टाइम था, ठीक है, तो तब क्या, जो प्लांट्स खत्म हो चुके, जो एनिमल क्या बन चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फॉसिल्स हम कहते हैं. जो बहुत पुराने टाइम पे थे वो आज किस में चेंज हो गए, पत्थरों में, चट्टानों में, इनमें चेंज हो गए, उन्हें कहते हैं फॉसिल्स. ठीक है, फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं. तो एक बार और रिवाइज करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, सॉइल इरोजन हुआ, उसके कारण ब्रेकडाउन हुआ छोटे छोटे पीसेस में रॉक्स का, वो क्या कहलाए, सेडिमेंट्स कहलाए. ये विंड और एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे गए, मतलब इनका, मतलब एयर और विंड के थ्रू भी ये सब प्रोसेस होती है. ठीक है, इनमें सैंड और मड भी मिला, और ये क्या बन गए, जो न्यू सेडिमेंट्स थे, न्यू चट्टानों के टुकड़े थे, वो तो ऊपर आ गए, और जो पुराने थे वो नीचे दब गए. अब जो पुराने थे नीचे दबे हुए थे, उन पे क्या लगा, प्रेशर लगा, कंप्रेस्ड हुए, दबाव हुआ, तो दबाव के कारण कैसे हो गए, वो हार्ड हो गए, और वही क्या बन गए, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए. चट्टान से हम कहते हैं ना खान. ठीक है, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स एनिमल्स और एशियन टाइम के एनिमल्स और उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे. तो इस वजह से क्या है, जो साइंटिस्ट हैं वो इन पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इन पे क्या है, निशान मिल सकते हैं किसके, एशियंट एनिमल्स और प्लांट्स के. तो इन्हें क्या कहा गया है, फॉसिल्स भी कहा गया है. तब एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, कौन कौन से एग्जांपल्स है सेडिमेंट्री रॉक के,
सेडिमेंट्री रॉक इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, सैंड, मड एंड इवन द रिमेन ऑफ द लिविंग बींग. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, किसका मिक्सचर है? मिनरल्स का, सैंड का और इवन द रिमेन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स मतलब जैसे जानवर है, पेड़ पौधे, इनके भी इनमें बहुत सारे वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है. इट इज ऑफन सॉफ्टर देन अदर टाइप ऑफ रॉकी. और जो अलग अदर टाइप के रॉक्स हैं उनसे कैसा होता है? सॉफ्ट यानी मुलायम होता है. बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, रचना के आधार पर सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप. कितने टाइप के हैं? चार टाइप के रॉक्स हैं. कौन से हैं? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल एंड लाइमस्टोन. सबसे पहले पढ़ेंगे सैंडस्टोन. ठीक है. सैंडस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, दाने, दानेदार जो होते हैं, सैंड के दानों से बना हुआ है. विच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर. ये क्या है? नेचुरली सीमेंट बना हुआ है अपने अंदर ही. ठीक है. इट इज़ मैनी कलर, ये बहुत ज़्यादा बहुत सारे कलर में पाया जाता है. द कलर ऑफ सैंड स्टोन डिपेंड ऑन द कलर ऑफ डिपॉजिटिंग सैंड. सैंड स्टोन का कलर किस पर डिपेंड करेगा? जिसके अंदर रेत मिक्स है. इट कंटेन ग्रेन्स ऑफ मिनरल क्वार्ट्ज, अगर उसके अंदर क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज के मिनरल प्रेजेंट है. ठीक है. क्वार्ट्ज के दाने प्रेजेंट है तो कैसी कलर की होगी? पिंक और रेडिश कलर की होगी. ठीक है. सैंडस्टोन किसका बना हुआ है? ग्रेन्स का, दानों से बना हुआ है, रेती के कणों से बना हुआ है. ये अपने आप में ही सीमेंट है. ठीक है. सीमेंट की तरह होता है और मैनी कलर्स में पाया जाता है. इसका कलर सैंड का, जिसमें सैंड डिपॉजिट है उसमें, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर इसमें मिनरल कौन सा, क्वार्ट्ज मिनरल होगा इसमें ऐड, तो कौन से कलर का होगा? पिंक और रेडिश कलर का ये सैंडस्टोन होगा. ठीक है. और फेमस रेड फोर्ट और कुतुब मीनार दिल्ली में जो है वो किसकी बनी हुई है? रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है. नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट्स. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये किसके बनते हैं? फॉर्म होते हैं ग्रेवल्स, पेबल्स, मतलब जो कंक्रीट होते हैं, कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, उनसे बनते हैं. स्टोन गेट सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल. ये सीमेंटेड कैसे होता है? और मिनरल्स के साथ मिलके क्या हो जाता है? सीमेंटेड हो जाता है. इट इज अनइवन, असमलत है और कॉरस है इन टेक्सचर, यानी मोटा है. मोटा इसके जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं वैसा. इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क. किसमें काम आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन में काम आता है. नेक्स्ट है शेल. शेल इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल. किससे बनता है? डिपोजिशन होना क्ले और मड, मिट्टी और जो कीचड़ के पार्टिकल्स, मड पार्टिकल्स होते हैं उससे ये बनता है. इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक. कैसा है ये? सॉफ्ट रॉक, मुलायम पत्थर है, मुलायम चट्टान है. इट इज़ मेनली यूज टू मेक ब्रिक एंड सीमेंट. किसमें बनाने में काम आता है? ब्रिक्स, ईंटें और सीमेंट बनाने में काम आता है. नेक्स्ट है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या है? दिस सेडिमेंट्री रॉक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप एंड इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय डिपॉजिटेड मड एंड सैंड. अब लाइमस्टोन जो है ये अदर तो क्या थे? सारे मड स्टोन से, मड स्टोन, रेत, इन सब से बने हुए थे. पर ये जो लाइमस्टोन है ये ना तो मड से बना है ना सैंड से. ठीक है. ये किससे बना हुआ है? लाइमस्टोन इज कंप्रेस्ड अ मिनरल कैल्सेट. कैल्सेट से बना हुआ है जो किसमें पाया जाता है? शेल ऑफ द सी एनिमल. जो आपने देखा होगा शेल्स होते हैं सी एनिमल्स, यानी समुद्री जानवरों के जो शेल्स होते हैं, ऐसा देखा होगा ना आपने, कवर होते हैं शेल्स, उन्हें कहते हैं समुद्र जानवरों के शेल्स होते हैं, उसमें पाया जाता है कैल्सीट. ठीक है. उससे ये बना हुआ है. व्हेन दे डाई, जब मर जाते हैं तो उनका जो शेल है वो कहाँ जाता है? ऊपर पानी की तह, मतलब सतह पर आ जाता है. ठीक है. जब जानवर मर जाता है तो उसका शेल कहाँ है? ऊपर पानी के बॉटम पर आ जाता है और एक लेयर को फॉर्म करता है. तो क्या है लाइमस्टोन? सारे रॉक से अलग है ये, मड और सीमेंट से नहीं बनता है. ठीक है. किससे बनता है? ये कैल्सीट नाम का एक मिनरल है उससे बनता है, जो किसमें पाया जाता है? शेल्स ऑफ द सी एनिमल. जो शेल्स होते हैं सी एनिमल्स की, उनमें पाया जाता है. जब ये सी एनिमल्स जब मरते हैं तो ये कहाँ आ जाते हैं? इनके शेल्स बॉटम पे आ जाते हैं और एक लेयर फॉर्म करते हैं. ठीक है. चौक, जो चौक होती है वो भी क्या है? एक प्रकार का लाइमस्टोन है. चौक भी क्या है? एक प्रकार का लाइमस्टोन है. लाइमस्टोन इज यूज एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. किसमें काम आता है? कंस्ट्रक्शन में काम आता है. इट इज़ यूज टू मेक कंक्रीट एंड सीमेंट. क्या बनाने में काम आता है? कंक्रीट और सीमेंट बनाने में ये काम आता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ क्रस्ट स्टोन ऑन अ रोड बेस. अब जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, रोड बनता है, तो उसमें क्रस्ट बेस जो बनता है उसका, वो भी उसमें भी ये काम आता है.
तो आज हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किससे फॉर्म होते हैं? जब इरोजन होता है तब फॉर्म होते हैं, और ये क्या है, एशियन टाइम से हैं, तो इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक के? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल एंड लाइमस्टोन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक एंड देयर एग्जांपल्स। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।